हमारे आसपास ज्यादातर होने वाली घटनाओं के पीछे विज्ञान का कोई ना कोई सिद्धांत छिपा होता है। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान भी हम कई रूपों में देखते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांतों को सीखना और समझना एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक अनुभव है, जिसे हम सरलता से भी कर सकते हैं। इन्हीं में से कुछ रोचक वैज्ञानिक प्रयोगों को समझाने के लिए आज हमारे बीच हैं श्री प्रेमचंद शर्मा, जो केंद्रीय विद्यालय देहरादून में एक अध्यापक हैं। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। मैं यहाँ पे खूब सारे रंग बिरंगे गुब्बारे देख रहा हूँ, तो आज हमें आप इन गुब्बारों की मदद से कौन से प्रयोग दिखाने जा रहे हैं? आज मैं इन गुब्बारों की सहायता से आपको कुछ विज्ञान के प्रयोग दिखाऊंगा जी, जिनसे आप विज्ञान के बहुत से सिद्धांत बड़ी सरलता के साथ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल के बारे में बताता हूं जी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल क्या होता है? एक छोटा पानी से भरा हुआ गुब्बारा लीजिए, इसे एक वृत्त में घुमाइए। जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार में घूमती है, तब उस वस्तु में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हो जाता है। वह अपकेंद्रीय बल उस वस्तु को बाहर की ओर खींचता है, इसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं जी। इसे हम एक और साधारण प्रयोग से दर्शा सकते हैं। इसके लिए एक पानी से भरा हुआ बड़ा गुब्बारा लीजिए, उसे एक धागे से बांध लीजिए, फिर उस धागे को एक प्लास्टिक की नली में से पास कीजिए। धागे का दूसरा सिरा छोटे पानी से भरे हुए गुब्बारे के साथ बांध दीजिए जी। इस नली को हाथ में पकड़िए और धीरे धीरे छोटे गुब्बारे को घुमाइए, देखिए क्या होता है। ये बड़ा पानी से भरा हुआ गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। हाँ, अब मैं घुमाना इसको बंद करता हूँ, वापस अपनी स्थिति में नीचे जा रहा है। बिल्कुल। तो ये कैसे संभव हुआ? जैसे ही मैंने इस छोटे गुब्बारे को घुमाना शुरू किया जी, इस छोटे गुब्बारे में अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हो गया। उस अपकेंद्रीय बल ने इस बड़े गुब्बारे को बड़ी आसानी से ऊपर की ओर खींच लिया। अगर मैं इस छोटे गुब्बारे को तेजी से घुमाता हूं, तो आप देखोगे क्या होता है। तो वो तेजी से ऊपर जाता है। बिल्कुल। जितनी तेजी से हम इस छोटे गुब्बारे को घुमाते हैं, उतनी ही तेजी से बड़ा गुब्बारा ऊपर की ओर चला जाता है। क्या हम एक बार फिर से करें? बिल्कुल। इस तरह हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल को गुब्बारों की सहायता से बता सकते हैं। तो देखा आपने कितने आसान और सरल तरीके से हमने ये जाना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। अब देखते हैं गुब्बारों की मदद से और क्या क्या वैज्ञानिक प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम गुब्बारों की मदद से और वैज्ञानिक प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं आपको एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस के बारे में बताऊंगा। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया बल। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसके लिए हम एक गुब्बारा लेते हैं। अब मैं इसमें हवा फूंकता हूँ। जैसे ही मैं इस गुब्बारे को छोड़ता हूँ, देखिए क्या होता है।
अरे मैं भी करके देखूं। हाँ इसको छोड़ो। छोड़ दीजिए, ये देखिए। ऐसा क्यों हुआ? इसे समझाने के लिए मैं एक और गुब्बारा लेता हूं। जी जैसे ही मैं इस गुब्बारे को छोड़ता हूं, हवा बहुत तेजी के साथ नीचे आती है, जिसे हम एक्शन कहते हैं, और गुब्बारा उतनी ही फोर्स के साथ ऊपर की ओर उड़ जाता है। इसी की सहायता से हम न्यूटन का तीसरा नियम भी अच्छी तरह से समझा सकते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतीत होते हैं। बिल्कुल। तो देखा कितनी आसानी से हमने इस सिद्धांत को समझा। गुब्बारों के इस्तेमाल से कितना आसान हो गया है वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझना। आइए इसके बारे में और जानें। हम और कौन सा प्रयोग करेंगे? अब मैं आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताता हूँ। यानी गुरुत्वा केंद्र। बिल्कुल रवि, इस गुब्बारे को मेज के ऊपर सीधा खड़ा करने की कोशिश कीजिए। इस तरह? नहीं, ऐसे करता हूं। तो ये तो गिर रहा है। हाँ, देखिए, मैं आपको ऐसा करके दिखाता हूं। ये कैसे हुआ? हाँ, फिर देखिए, अगर मैं चाहूं तो इसको इस लेटी हुई स्थिति में भी रख सकता हूं। फिर देखिए, इसको मैं ऐसे उल्टा भी रख सकता हूँ। बताइए ये सब कैसे संभव है? हाँ, इस गुब्बारे में एक भार रखा हुआ है। जी। मैं जिस दिशा में भी इस गुब्बारे को रखना चाहता हूँ, यह भार उसी दिशा में चला जाता है। ये देखिए, ये भार नीचे आ गए। और अगर मैं इस गुब्बारे को ऐसे नीचे रखता हूँ तो यह सीधे खड़ा रहता है। क्या मैं भी करके देख सकता हूँ? बिल्कुल। वाह, ये तो आसान है। और अब ऐसे? अरे वाह, और ऐसे? ऐसा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर निर्भर होता है। जहां पर जब भार होता है जी, वहीं पर इस गुब्बारे की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, यानी गुरुत्वा केंद्र। बिल्कुल। जैसे ही हम इस गुब्बारे को हिलाते हैं जी, जब भार भी वैसे ही हिल जाता है, इससे इस गुब्बारे की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बदल जाती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी किसी वस्तु की सबसे नीचे होती है, वस्तु उतनी ही स्थिर रहती है। था ना कितना रोचक प्रयोग? आप सब भी इन गुब्बारों की मदद से घर में ये प्रयोग अवश्य करके देखें।